जिस दिन से भारतीय जाट ने मोहनगढ़ थाना प्रभारी का कार्यभार संभाला है, उस दिन से लगातार अपराधी और खनिज माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है, जिससे अपराधी और खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कल रात में एक ट्रैक्टर ट्राली अवैध रूप से एक परिवहन कर रहा था। रेत माफिया ने सोचा था कि रात्रि का फायदा उठाकर रेत का अवैध परिवहन हो सकता है, मगर डीएसपी भारती जाट ने शायद ये प्रतिज्ञा ली है कि वे जब तक मोहनगढ़ थाना प्रभारी पर पदभार संभाले हुए हैं, तब तक मोहनगढ़ में किसी प्रकार का अवैध कारोबार नहीं हो सकेगा। उन्होंने रात्रि में ही बालू से भरा ट्रैक्टर ट्राली को दबोच लिया और उसे थाने में ले जाकर खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही कर ट्रैक्टर चालक को न्यायालय में पेश कर दिया। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। मोहनगढ़ पुलिस टीम के द्वारा कल रात को एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर जब्त किया गया है, जो अवैध परिवहन करता हुआ पाया गया था रेत का, जिसने हमें इस ट्रैक्टर को जब्त करके आईपीसी और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और जो आरोपी था उसे कोर्ट में पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई को हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।